Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Brain It On. अब आप में से जिन लोग को भी physics में interest है ना, उन लोग को आज के वाली gameplay video बहुत मस्त लगने वाली है, क्योंकि हमें एक pen मिलेगा और हमें challenges complete करने हैं, और हर challenge complete करने के लिए मुझे एक shape draw करनी होगी. Let's go, चलते हैं गेम में. Challenge number one, बस मुझे एक simple shape draw करनी है, तो मैं काम करता हूँ, circle draw कर देता हूँ. Let's go. Challenge one काफी simple था, 3 stars. Level 2, make the ball hit the left wall. Okay, तो मुझे कोई ऐसी shape draw करनी है कि ये जो yellow ball है, ये left वाली wall से जाके टकरा जाए. ये काफी simple है. मैं काम करता हूँ, एक ऐसा सा कुछ shape draw करता हूँ, और ये लगा hit. Let's go. तुम्हारा भाई pro है physics में. Level 3, tilt the shape to the right. Oh, तो भी left में गिरी हुई है, मुझे इसे right में गिराना है. तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना weight डाल देता हूँ, ये अपने आप ही right हो जाएगी. Nice. 3, 2, 1. 3 सेकेंड तक हमें होल्ड करना था. लेट्स गो, 3 stars. नेक्स्ट लेवल, टिप द ग्लास ऑन टू द ग्राउंड. मुझे इस ग्लास को ग्राउंड पे गिराना है. अगर मैं कुछ ऐसी शेप करके इसे इधर ऐसे वेट डाल दूं, तो क्या ये गिरेगा? आई थिंक गिर जाना चाहिए, बट वेट, गिर के वापस खड़ा हो गया. ओके, रुक जाओ, मैंने जैसे करा था शायद ठीक था, बट थोड़ी सी ना शेप में चेंजेस करते हैं. अगर मैं इसे कुछ की बना दूं, नहीं ऐसे नहीं होगा. शायद मैंने थोड़ा सा मेस कर दिया है. वेट, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना वेट इधर डालता हूँ, और उस वेट को इधर से खींचेंगे. प्लीज हो जा, ये मैंने पता नहीं क्या करा है. वेट, रीट्राई, मेरे को दोबारा से कुछ वैसे ही करना चाहिए, पहले मैंने ठीक करा था. अगर मैं ऐसे कुछ वेट डाल दूं, तो शायद से ये ग्लास को खींच लेगा. नाइस, क्या ही गिराया मैंने ग्लास को. लेट्स गो, फिर से 3 stars. लेवल 5, प्लेस ओनली 2 balls इन द ग्लास. ये काफी सिंपल है, यहाँ पर 3 balls हैं, और मुझे इनमें से सिर्फ 2 balls को इस ग्लास के अंदर गिराना है, तीसरी नहीं जानी चाहिए. तो सिंपल है, मैं कुछ ऐसी शेप ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि वो वाली बॉल पीछे चली जाएगी. अरे नहीं नहीं नहीं, रोक ले रोक ले. वेट, उसने रोक लिया उसको. लेट्स गो, वैसे जो मैं करना चाहता हुआ नहीं, बट 3 stars. नाइस. लेवल 6, प्लेस एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्लास. एंड आई थिंक ये जो रेड वाला एरिया, यहाँ पर मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि वो इस ग्लास के अंदर जाए. ये काफी डिफिकल्ट है, मैं अगर यहाँ पर कुछ बनाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, इसके अंदर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. वेट, मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग क्यों ना यहाँ पर एक रैंप ड्रॉ करें. ओह वेट, रैंप गिर जाएगा. एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर एक रैंप ड्रॉ करूँ, और उस रैंप को ऐसे स्टैंड कर दो पहले, और फिर एक हम लोग यहाँ पर ऊपर बॉल बनाए, क्या ये बॉल अंदर जाएगी? 100% जानी चाहिए थी. ओ ओ गिलास भाई, रुक जा रुक जा. हो गया एक ही बार में. नाइस, हमें 2 स्टार मिले, बट ठीक है, कोई नहीं, बुरे नहीं है. लेवल 7, प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द स्मॉल बॉक्स. ओके, तो ये वाला जो बॉक्स है, मुझे इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखना है. ये सचमुच में काफी ज्यादा सिंपल है, मैं सेम उसी तरीके से इसे भी कर सकता हूँ. यहाँ पर पहले एक रैंप बनाते हैं, और यहाँ पर मैं ऐसे एक बॉल डाल देता हूँ, बस सिंपल, चले जाएगा ना प्लीज. हाँ, टक्कर लगी. नाइस, ये तो बहुत ज्यादा इजी था, एंड 3 stars भी मिल गए. लिफ्ट द बॉल ऑफ द ग्राउंड. ओह, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक बॉल पड़ी है, और मुझे इसे ना जमीन से उठाना है. ओके, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा सा गिराऊं, तो एक और बॉल गिरा देता हूँ, ये टप्पा खाएगी शायद. ओह वेट, इसका वेट काफी ज्यादा है. रीट्राई, अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर पहले तो एक ब्रेकर लगा दूं, और उसके बाद मैं इधर ऐसा लिफ्ट करने के लिए कोई रैंप बना दूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? हाय वेट, ये तो बिल्कुल फेल है. एक सेकंड, ओए लिफ्ट हो गई, ये लिफ्ट हो रखी थी अभी. ओ हुआ हुआ कुछ तो, बॉल लिफ्ट हो गई है, पता नहीं कैसे उठी हुई है वो. नाइस, एक ही नहीं, मैं इसे रीट्राई करूंगा. ये लेवल तो किसे कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मेरे को अपने दिमाग से करना है. अगर मैं एक ऐसी शेप ड्रॉ करूं यहाँ पर, और उस शेप को मैं ऐसे पीछे वेट के लिए खींच दूं, तो ये क्या इस बॉल को उठाएगा? आई थिंक, ओ नहीं, रुक जा, आजा आजा, आगे 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 आगे. ओ अभी मैंने सही से लिफ्ट करी है, बट फिर भी 1 star. छी. लेवल 9, गेट द बॉल आउट ऑफ द बाउल. ओह, ये बहुत सिंपल है, मुझे बस इस बाउल से इस बॉल को बाहर निकालना है. काम करते हैं, ऊपर से कुछ हैवी वेट का गिराते हैं, ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा. ये ट्रैक, ओह आजा प्लीज, ये अटकेगा. अच्छा ठीक है, हमें बाउल से निकालना था, तो कहीं भी आए हमारा लेवल कंप्लीट है. लेवल 10, रिमूव द कैप. ओह, तो यहाँ पर ये जो कैप है, मुझे इसे हटाना है. एक सेकेंड, अगर मैं इसमें ऐसे साइड से ऐसा कुछ एरो सा गिरा दूं, तो क्या इसे टक्कर मार के गिराएगा? ओह यस भाई, क्या करा है मैंने. नाइस. लेवल 11, मेक द मैग्नेट्स टच. ये बहुत सिंपल है, बस मुझे एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है ताकि दोनों मैग्नेट्स आपस में जुड़ जाएं. Easy. Level 12, separate the magnets. Okay, तो इस बारी मुझे इन दोनों को अलग करना है, तो बीच में उससे कैसी लाइन ड्रॉप करता हूं मैं, शायद ये अलग हो जाने चाहिए. Easy peasy bro. 3 stars इस बार भी. Get the ball out of the stand. Oh wait,
मैं अगर एक बड़ी बॉल बनाकर यहाँ पे गिराऊं तो क्या ये स्टैंड पूरा गिर जाए? भाई साहब वेट, एक सेकेंड, मेरे पास एक मस्त आइडिया। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी शेप ड्रॉ करके पीछे ऐसे वेट डाल दूं तो ये शायद से इस स्टैंड को पूरा गिरा देगा। नहीं हुआ, काफी बुरा तुक्का लगाया मैंने, बट मेरे पास एक और नया तुक्का है। अगर मैं एक बड़ा सा स्क्वायर बनाकर ऐसे से गिराऊं यहाँ पर हैवी, तो क्या कुछ होगा? नहीं, अरे कुछ हुआ ही नहीं। शायद मेरा पहले वाला आइडिया ही अच्छा है। मेरे को ना यहाँ से बस अटकाना है, तो ऐसा सा कुछ शेप बनाते हैं जिससे स्टैंड ना गिर जाए पूरा। अरे प्लीज इसको गिराओ यार कोई, अभी शायद कुछ तो होने वाला। अलग हो जा, ओ नाइस नाइस, ग्राउंड पे भाई आ गई। मेरे को लग नहीं रहा था कि वो बॉल ग्राउंड पे जाके गिरेगी। 2 स्टार लेवल 14, मेक एन ऑब्जेक्ट टच द रेड एरिया। ओ तो मुझे कुछ ऐसा बनाने की जो रेड वाला एरिया है वो टच हुए। आइडिया, मैं यहाँ पर ना एक सी सो ड्रॉ करने वाला हूँ काफी बड़ा सा। तो ये मैंने बनाया उसका बेस, और ये मैंने बना दिया है सी सो, और ये काफी घटिया बनाया है, शायद आपस में बैलेंस ना हो। प्लीज एक जगह स्टिल हो जा। ओ वेट, सही है सही है। तो अभी ना मेरे को यहाँ पर बस एक छोटी सी बॉल रखनी है, और इधर कुछ तो हैवी वेटेड गिराना है जिससे कि ऐसा हो ये बॉल उड़ के ना ऊपर तक जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत हैवी स्टोन बना दिया। प्लीज जा, लेट्स गो। थोड़ा सा बच के एक और ट्राई, दोबारा से सीसो बनाते हैं। इस बार थोड़ा ना बड़ा सीसो बनाते हैं ताकि पहली एडवांटेज रहे हाइट की। एंड इस बार मुझे दोबारा से इसे ड्रॉ करना है एकदम बढ़िया तरीके से, परफेक्ट। तो ये आ चुका है सेंटर में, मुझे यहाँ पर रखनी है एक बॉल, और इधर रखना है कोई बड़ा ऑब्जेक्ट। तो इस बार ना मैं एकदम हैवी कुछ तो फेंकने वाला हूँ। चलो भाई, इस बार बहुत हैवी चीज यहाँ पर जाएगी और पक्का अपनी बॉल, लेट्स गो। अरे अच्छा, हो गया। लेवल 15, मेक द बॉल टच द ग्राउंड। वेट, ये कुछ ज्यादा इजी लेवल नहीं आ गया? मेरे को बस ऐसा करना है कि बॉल जो है जमीन पे टच होनी चाहिए, और नाइस, काफी इजीली। ये कैसे बच गई भाई? वेट, मैं रीट्राई करूंगा। अगर मैं बॉल को लेफ्ट साइड पे गिरा दूं, हल्का सा टच करना है बस। ये गई 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 गई। अरे भाई, ये लेवल देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बोर्ड कितनी इजीली चले जाएगी यहाँ पर, बट ऐसा हो नहीं रहा एकदम। मैं सेंटर से गिराता हूँ बिल्कुल लाइट सा। ओके, इस बार तो पूरा गड़बड़ हो गई है। इस बार तो कोई चांस ही नहीं बनता। अगर मैं एक छोटी सी बॉल ड्रॉप करूं तो क्या होता है? जा जा जा। अरे यार, पहले ही सब कुछ गिर जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। ग्राउंड पे बॉल को गिराना काफी हार्ड है इस लेवल में, क्योंकि जो छोटे छोटे ब्रिक्स है ना, ये पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। वेट, अगर मैं कुछ अच्छे एंगल से यहाँ पर कुछ गिराऊंगा ना, तो बॉल बहुत तेज स्पीड में जाती, बट नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करता हूँ। मेरा माउस क्या है यहाँ से, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, और अभी बॉल जाएगी बहुत तेज। नाइस, ओ भाई भाई, मारो मुझे मारो। एक लास्ट ट्राई इस तरीके से, इसके बाद वरना मैं कोई नया तरीका ही ट्राई करना होगा। बिल्कुल सेम वैसी क्या, और हो गया गाइस। 3 स्टार, मेक द बॉल टच द राइट वॉल। ओह, तो मुझे बॉल को यहां से लाकर इधर तक लाना है। ठीक है, इजी है। पहले तो मैं एक रैंप बना देता हूँ। ये आ गई बॉल यहाँ पे, अब यहाँ पर एक और रैंप बना देते हैं, और बॉल रुक गई। ओके, दोबारा से ट्राई करते हैं। मैंने ये बनाया रैंप यहाँ से आगे तक का, अभी बॉल यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से मुझे बॉल को दोबारा कैच करना है। चलो भाई, बॉल भैया आगे आ जाओ, फुल यहाँ से आगे, नीचे नीचे नीचे, इधर इधर इधर, नाइस, आ जाओ आगे, चलो अटक नहीं। ओके, हो गई, करा दिया शायद मैंने, शायद से करा दिया है। एंड इस पे मेरे को 3 स्टार नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने काफी कुछ ड्रॉ करा है। 1 स्टार, बट लेवल कंप्लीट है। नहीं यार, दोबारा ट्राई करते हैं। 3 स्टार के साथ मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इतना छोटा सा रैंप ड्रॉ करूँ तो क्या मेरा काम होगा? हर जगह इतने इतने रैंप से भी हो जाना चाहिए यार। आ जा, ईजी, यहाँ पर भी। ओ, ये रुक जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। वेट, यहाँ पर ज्यादा आगे नहीं जाएगी, तो इसलिए इधर ही एक रैंप ड्रॉ कर देता हूँ मैं। आ जा बॉल प्लीज। शायद इस बारी में 3 ट्राई में कर रहा है, बट पता नहीं कितने स्टार आएंगे। मैंने काफी कम ड्रॉ करा है, लेवल भी कंप्लीट कर दिया, बट फिर से 1 स्टार। छोड़ो, नेक्स्ट लेवल। बैलेंस द प्लेटफॉर्म। ओह वेट, मुझे इसे बैलेंस करना है। उस तरफ में एक स्क्वायर है, तो अगर मैं इस तरफ में भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा तो ये बराबर हो जाना चाहिए। ओ स्क्वायर भाई साहब, उधर मत जाना। अरे रुक जाओ, इधर आओ, उधर ज्यादा वेट हो गया। आराम से, इधर इधर इधर। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, वेट, रीट्राई। आराम से एक स्क्वायर रखना है मुझे इस तरफ में, और ये तो मैंने बॉल रख दी। नहीं हुआ। वेट, जरूरी नहीं है स्क्वायर ड्रॉ करें, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये ना लाइन आगे की तरफ में शिफ्ट नहीं होगी।
और बैलेंस भी नहीं होगी। वेट, बिल्कुल लाइट सी लाइन में इस बार ड्रॉ करता हूँ। और रुक जा, एक और लाइन प्लीज, एक और। अभी हो गया, बैलेंस है, नहीं है पूरा, बराबर बैलेंस नहीं है, तो एक बॉल ड्रॉप कर देता हूँ मैं इधर। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, एक लाइन अभी ज्यादा हो जाएगा। हाँ वेट, हो गया, आई थिंक हो गया था। एक बॉल इधर ड्रॉप करूँ तो क्या होगा, नीचे मत आइयो प्लीज यार, ये नहीं हो रहा। ओके, ये लास्ट ट्राई है मेरा और इस बार ही 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओ तुक्का बेड़ा था मैंने, अरे हुआ भी नहीं यार। वेट, एक और प्लीज, रुक जा। बैलेंस, 3, 2, 1, हो जा। भाई साहब ये लेवल था डिफिकल्ट। लेवल 18, सेपरेट दी मैग्नेट्स। ओके, इसमें तो बस मुझे सिंपल कुछ ऐसा ड्रॉ करना है और ये जो मैग्नेट्स है सेपरेट हो जाएंगे काफी इजीली। नाइस, तो तीनों मैग्नेट सेपरेट हो गए हैं, बट ये रेड वाला बच गया भाई, वरना उससे कनेक्ट हो जाता। लेवल 19, मेक दी मैग्नेट्स टच। ठीक है, तो मुझे इन दोनों मैग्नेट्स को आपस में टच कराना है, बट इनके बीच में एक ये बाउंड्री है। मैं पहले इन दोनों को ना नीचे गिरा देता हूँ आराम से, ताकि नीचे खाली स्पेस में जाएं, और यहाँ पर बस मुझे इन दोनों को ना हिट करना है। चल भाई तू उस तरफ मूव कर, और आप भाई साहब जी उस तरफ जाओ। अरे यार एक और बारी ट्राई करता हूँ, ये सच में इजी था बट पता नहीं मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। नीचे आ गए, इन दोनों के लिए एक बाउल बना देता हूँ। वेट यार, ये लेवल सच में इतना इजी है, मैं पता नहीं कैसे मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर बस मुझे कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, ये दोनों पहले नीचे जाएंगे, उसके बाद तुम इधर आ जाओ और भाई साहब जी आप इधर आ जाओ। ये दोनों भाई क्या हो रहा है, वेट ये यहाँ पर गिरते हैं ना, पहले इनके लिए ना एक नीचे मैं टब बना देता हूँ, ताकि ये कहीं ना जाकर इस टब में आके गिरे। अब ऊपर से मैंने ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस टाइप से ड्रॉप करने के लिए, और आजा ब्लू प्लीज आजा, रेड वेट कर रहा है नीचे, बदतमीज। आया आया आया, नाइस हो गए टच, 1 star। लेवल 20, गेट दी बॉल आउट ऑफ दी जार। तो मुझे उस बॉल को इस जार से बाहर निकालना है, ये इजी है या फिर डिफिकल्ट पता नहीं, बट हाँ शायद मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक हैवी वेटेड कुछ ड्रो कर दूँ, धक्का मार, नाइस, हो गया। भाई ये बहुत इजी लेवल था मेरे लिए, हर किसी के लिए नहीं। अरे निकल तो गई, अच्छा मान नहीं रहे लोग की बाहर निकली है, क्योंकि वो भी हाँ एक तरीके से तो जार में ही है यार, ये गलत है। अभी लेवल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। वेट, अगर मैं यहाँ से ऐसा कुछ ड्रो करूँ और इसको मैं उधर पुश कर दूँ, हो गया। हाँ ऐसे रोक के रख, अबे अरे यार अब तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और कुछ हैवी फेंकता हूं मैं, और इस बार कुछ भी नहीं होने वाला, पूरा शुरू से रीट्राई। मुझे हल्का सा ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट डालना है जिससे पूरा रोटेट कर जाए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि अपना शार्प कॉर्नर इसे मारेगा और ये घूम जाएगा, घूमा और हो। अरे यार होना तो इसी तरीके से चाहिए। एक काम करता हूँ, बड़ा ट्रायंगल बनाता हूँ ताकि थोड़ा तेज पुश करे। मैंने इसे काफी हाइट से भी गिराया है, और इस बारी काफी ज्यादा चांसेस हैं ना कंप्लीट होने के। मेरा पहले वाला तरीका ये बहुत बेटर था, तो मैं दोबारा से कुछ वैसे ही करने वाला हूँ। एक हैवी वेट पीछे देके, ये की बड़ी सही होती है भाई, सारे काम हो जाते हैं इसे। नाइस, भेज दो। वाह, क्या करा जाए यार, इस लेवल ने तो रुला दिया कसम से। ये बॉल अगर मैं ड्रॉप करूं तो क्या एक बॉल ही बॉल को तेज टक्कर मारती है। भाई क्या होने वाला है इसमें, मेरे दिमाग में एक बहुत खराब आइडिया आया, बट इससे लेवल कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक सीसो टाइप कुछ तो ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसको आगे पुश करेगा। यहाँ पर इसको मैंने ऐसे जमीन पर रख दिया, अब ये जो चीज है ना इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसके ऊपर मुझे गिरानी है एक जाइंट बॉल जो कि बहुत तेज धक्का मारेगी। अरे इस बार तो हो जाए यार, ऐसे मत कर, बहुत ठीक। मेरे पास ना अब जो आइडिया आया है वो आइडिया शायद काम करे। क्योंकि हर तरीके ट्राई कर लिया भाई, कुछ नहीं काम कर रहा है। बॉल है, अगर ऐसा टक्कर मारेगी फुल स्पीड में, चाह भाई प्लीज बाहर कर दे इसको अभी भी। फाइनली हो गया बाहर। 1 star बहुत है भाई इस लेवल के लिए। प्लेस एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्लास। वेट, ये लेवल अजीब है क्योंकि यहाँ पर ना बीच में बैरियर्स हैं, यानी मैं डायरेक्ट कुछ नहीं डाल सकता, यहाँ पर अटक जाएगा और ग्लास बहुत नीचे है। ये तो अभी तुक्के में हो जाता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ना एक आइडिया है, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा रैंप बनाऊँ उसके ऊपर ऐसे बॉल डाल दूँ तो क्या वो बॉल, अरे भाई हो गया था। वेट, मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि बॉल आगे को मूव करे बस, ये रैंप नहीं, तो रैंप अब इस तरीके से यहीं पर अटक जाएगा और चले गया था। दोबारा से ट्राई करता हूँ, पहले मेरे को रैंप का अटकाने वाला बनाना है, फिर उसके बाद रैंप। अबे यार मैं तो खुश हो गया था। रुक जा, होएगा, टेंशन नहीं लेनी भाई किसी को। ले लो टेंशन लो भाई। ओए हो गया,
टप्पा टप्पा ओ तेरी अबे दोबारा से ट्राई नाइस नाइस नहीं गाइस वाला मानेंगे नहीं, मेरा बहुत खतरनाक वाला तुक्का लग गया था वो। बाकी ठीक है, अभी मैंने दोबारा से यहाँ पर रैंप भेजा है, रैंप एकदम परफेक्टली जाकर प्लेस हो गया, बट मुझे लगता नहीं है इस रैंप से मेरी बॉल यहाँ पर अंदर जाएगी। अगर मैं बॉल को यहाँ ड्रॉप करूँ तो क्या वो अच्छी जंप यहाँ पर ड्रॉप करूँ तो प्लीज हो जाए यार। ओ ओ वेट, यहाँ ड्रॉप करनी है। ओ अबे यार कहाँ ड्रॉप करूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे, एकदम आगे करूँ क्या? भैंस की टांग, कोई ना कोई तो जाएगी, सारी ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ओबे कोई भी नहीं आई। ठीक, दोबारा से रैंप को ना मेरे को थोड़ी अच्छी शेप का बनाना है और ड्रॉप कर दिया मैंने से, और इस बार एक बार में अपना चैलेंज कंप्लीट। आंख बंद है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, नहीं बहुत सही। एक पीछे से यार, चले जाओ यार, अच्छे से करना चाह रहा हूँ मैं सेवलो कंप्लीट। नाइस 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 नाइस, फाइनली एटलीस्ट दो स्टार तो मिलने वाले हैं इस बारी। इतनी एक मिला, कोई नहीं, कंप्लीट कंप्लीट। लिफ्ट द ऑरेंज बॉक्स ऑफ द ग्राउंड। ओके, ये ऑरेंज बॉक्स को उठाना ही तो है। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं और इस तरफ से एक रैंप पहले बना दूं कुछ इस टाइप का, और यहां से एक बॉल को फेंकूं, तो क्या ये डब्बा जमीन से उठ जाएगा या फिर नहीं, ये देखना है। नहीं उठा भाई, वो डब्बा बहुत भारी है। हाँ क्या किया जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ बहुत हैवी ड्रॉप करूँ, मतलब एकदम जाइंट कुछ ड्रॉप करा जाए, तो क्या टप्पा खाएगा? मैं नीचे ऐसे ड्रॉ खाया ही नहीं, उछला ही नहीं यार वो। वेट, मेरे पास अभी एक आइडिया आया कि जो बॉक्स की शेप है ना, मैं शेप कोई ऐसे ड्रॉ करूँ और यहाँ पर ना एक वेट डाल दूँ, इससे क्या होगा ये ना शो इसको रोटेट कर देगा ऐसे। ओ हुआ हुआ हुआ, मुझे पहले ड्रॉ करना चाहिए था, ये काम करा। ठीक है, लास्ट टाइम काम करा था, नहीं इस बार भी करेगा। मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा कम ड्रॉ करना है, राइट को ज्यादा, क्योंकि हमें इसे लेफ्ट में रोटेट करना है। अब पीछे एक बड़ा स्क्वायर वेट के लिए अब ड्रॉप करना है ये उच्च। अरे तुक्का नहीं था वो, शायद मैंने ना इस बार स्क्वायर ज्यादा बड़ा बना दिया, तो इस बार स्क्वायर थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। वेट, इसको पहले तो नीचे कर दो ना। लेवल 23, प्लेस द बॉल इन द ऑरेंज बॉक्स। ओके, ऑरेंज बॉक्स काफ़ी दूर है, मेरे को समझ आ गया। इसमें भी हमें रैंप बनाना पड़ेगा और रैंप की शेप बहुत मैटर करती है कि आखिरकार वो रैंप कहाँ तक जा रहा है। अब मेरे को ना यहाँ पर एक बड़ा बॉल ड्रॉ करना है, क्योंकि जितना बड़ा बॉल होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि बॉल तेज स्पीड में जॉर्ड बाई जॉर्ड। एक ही स्टार, क्या तमीजी कर रहे हो भाई, एक बार में कर रहा है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट लेवल। और ये लेवल, मेक द बॉल हिट द लेफ्ट वॉल। ठीक है, ये जैसे हमने बॉक्स को पहली बार तो हटाया था, सेम इसे भी करते हैं। मेरे को लेफ्ट वॉल में भेड़ना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ ताकि बॉक्स को रोटेट कर दे। जा जा जा, हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं अभी इसे कर सकता हूँ, ईजी है ये वाला लेवल। मेरे को दोबारा से कुछ वैसे ड्रॉ करना है और अभी हो जाएगा। ये गया नीचे, ये करा रोटेट, चल उधर, चल 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 चल, लेट्स गो। ये वाला भी कंप्लीट। लेवल 25, मेक द रिंग टच द राइट वॉल। ठीक है, मुझे इस रिंग को राइट वॉल पे टच कराना है, और यहाँ पर ना बैरियर्स लगे हुए हैं, यानी इधर मैं कुछ भी ड्रॉप करूंगा तो रिंग से टच नहीं होने वाला। तो मुझे क्या, मैं रिंग के अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ? यस, मैं रिंग के अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये काफी ईजी था। अगर मैं ऐसी ऐसी शेप ड्रॉ कर दूंगा तो शायद से ये हो जाएगा। ये लेवल बहुत ज्यादा ईजी था यार, वैसे यार स्पीड क्यों कम हो रही यार, जा तो रही थी। जा 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 जा, नाइस, हो गया हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, चले जा चले जा चले जा, लेट्स गो, कर दिया हमने गाइस वाला लेवल। हाँ ये बात अलग है कि बहुत बहुत एक ही स्टार मिला है। क्लियर ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ओह, तो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें पड़ी है ना, मुझे इन सबको यहाँ से हटाना है। कुछ ज्यादा इजी लेवल नहीं देने लग गए अब तुम भाई, मेरे लेवल बढ़ रहे, क्या कर रहे हो? ये लो, ये क्या ड्रॉ करा है मैंने, ये तो खुद बीच में जाके सेटल हो गया था। वेट, मेरे को कुछ ऐसा ड्रॉ करना है जिससे तीनों साइड हो जाए ना। ठीक है, अभी हो जाने चाहिए। ये फेंका, ओके कोई बात नहीं, दोबारा से ये फेंक देता हूँ, प्लीज जा। वेट 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 वेट, आराम से करने वाले लेवल है। अगर मैं बीच में एक बड़ा बॉल ड्रॉप कर दूं तो ये तीनों शायद साइड हो जाएंगे। चल भाई चल, छोटी बॉल निकल निकल निकल, टक्कर बड़ी इसके, चलो भाई लेट्स गो। हमने कंप्लीट कर दिया ये वाला लेवल, कंप्लीट भाई। अच्छा, सब मैंने जो ड्रॉप करा ये वहीं रुक गया, मुझे इसे भी ड्रॉप करना होगा। वेट, चल भाई तू भी निकल नीचे। अरे यार नहीं नहीं, रीट्राई, ऐसे नहीं। ये वैसे सिंपल ही लेवल था मेरे हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा रैंप ड्रॉप करके एक बड़ी बॉल ड्रॉप कर दूँ
तो बॉल अपने साथ साथ इनको भी ले जाएगी। अरे खुद नहीं रुकना, नहीं रुकना यार, वेट, रैंप की ना हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बॉल ना बहुत नीचे से ड्रॉप हो रही थी वो। तो अभी बड़ी बॉल भेजी है, एक्स बॉल है, अब ये जाएगी भाई फुल स्पीड में। चल भाई चलो, सबके सब नीचे, लेवल कंप्लीट। लेवल 27, मेक द बॉल टच द राइट वॉल। ओके, तो ये जो बॉल है इसको मुझे राइट वॉल पे टच कराना है, बट शायद से ना ये मैग्नेट है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी इस पार्ट पे ये चिपक जाएगी। तो मुझे एक बार पहले ट्राई करना है देखने के लिए, क्योंकि उसमें इन्होंने बॉल लिखा है, मैग्नेट नहीं लिखा, तो हो सकता है ये ना चिपके। ये जा रही है धीरे धीरे राइट जा रही है, एंड आई थिंक ये राइट तक जाने से पहले रुक जाएगी। अरे थोड़ी स्पीड बढ़ा भाई, जल्दी जा। ओ ये देखो चिपक गई, मैग्नेट ने चिपका लिया भाई, रुक जाओ। या तो यहाँ पर मैं इस बॉल के लिए एक रैंप बना दूं, बट ये रैंप पे चढ़ नहीं पाएगी। वैसे ऐसी कोई जरूरी नहीं है, चढ़ सकती है अगर अच्छे से चीज को ड्रॉप और अच्छे एंगल से ड्रॉप करा जाए। तो ये मैंने मारा टक्कर और नहीं हुआ। क्यों ना यहाँ पर मैं एक ऐसा कोन टाइप कुछ ड्रॉप करूं जिससे बहुत, अरे उधर फेंकना है यार, उधर उधर, नाइस, गई 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 गई। ओ रुक जा, उधर उधर नहीं यार। वेट, ये लेवल देखने में जितना सिंपल है ना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है यार। यार देखो, सबसे पहले तो ना मुझे इस बॉल को इस एरिया से बचाना है, इस मैग्नेट से बचाना है। अगर मैं यहाँ पर एक कोन ड्रॉप करूँ दोबारा से, मतलब ये बहुत तेज स्पीड में फेंकता है, तो ये, अरे यार मैग्नेट फिर से नहीं जी। मैं बॉल को जंप कैसे करवा सकता हूँ यार, मुझे ये देखना है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी शेप ड्रॉ करके पीछे उसमें ऐसे वेट दे दूँ तो क्या बॉल जंप करेगी? आई थिंक नहीं। इस बार एक ऐसा काम करता हूँ कि कुछ ऐसा रैम बनाते हैं जो पीछे की तरफ में मूव ना करे, ठीक है? अपनी बॉल बस जंप हो जाएगी और उसको हमें राइट वॉल से टच कराना है, तो अपना काम हो जाना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉप करना है जो इसको आगे की तरफ में बॉल को फेंके, तेज स्पीड में फेंके यार, ये तो रोक रहा है। दोबारा से एक सिंपल रैम और इसको यहाँ से जोड़ा। अभी मैंने ऊपर से एक हैवी वेटेड कुछ तो ड्रॉप करने का प्लान बना लिया और ये धक्का मारेगा बॉल को बहुत तेज। चढ़ जा प्लीज। वेट, मेरे पास एक और सिंपल आइडिया है। पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? अब इस लाइन के आगे ना मैं काफी सारी बॉल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बॉल को ना चढ़ने में आसानी हो। अब अगर मैं यहाँ पर एक कोन या फिर कुछ ऐसी शेप का ड्रॉ करूँ जो बॉल को बहुत तेज पुश करे तो शायद अपना काम। यार बॉल क्या कर रही है भाई, चल उधर। एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक एरो ड्रॉप करता हूँ क्योंकि ये आगे से कोन है पूरी, और इसका वेट बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, अब पड़ेगी टक्कर गंदी वाली। अरे वाह, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि पहले ना बस बॉल को आगे भेजू, ठीक है? मतलब इस तरीके से बॉल आगे जाएगी और जैसे ही मैग्नेट के पास जाने वाली होगी मैं इसे पुश कर दूंगा इसके थ्रू। ओ हुआ 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 हुआ, चा यार मैग्नेट से दूर करना है और शायद अपना काम हो जाएगा। वेट, मैं कर सकता हूँ इसे अगर यहाँ पर भी कोन ड्रॉप, भाई चिपक गई है वो, बट मेरे को लग रहा है इस तरीके से हो सकता है, काफी उम्मीदें तो हैं। दोबारा से ट्राई करता हूँ, यहाँ पर ये गई बॉल। ओ नाइस, हो जा, इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं जाना। ओ नहीं 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 प्लीज। अबे यार गेम कंप्लीट होने वाला है, बस अब समझ लो लेवल में काफी क्लोज पहुंच गया हूँ, शेप मेरे को मिल गई है कि इस तरीके से जानी चाहिए। अब मेरे को इसे ड्रॉ करना है। ओके हो गया, या नीचे नहीं आना ब्रो, नीचे नहीं आना। अभी मेरे को कुछ ऐसा ड्रॉ करना है कि जो इसे आगे की, यार ये मैग्नेट खींच रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल ना धीरे धीरे वापस उस मैग्नेट से जाके चिपक ही जाएगी और गड़बड़ नहीं। ओ हो गया, हल्की सी बाहर आई है बॉल, और अभी क्या करना है नहीं पता। अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं जो कि इसको उठा ले, भाई ये लेवल खराब हो गया बिल्कुल, नहीं होगा ये। लास्ट टाइम की तरह ही ट्राई करते हैं, ये लेवल कंप्लीट होने वाला है। मैंने यहाँ पर एक कोन ड्रॉ करा बढ़िया वाला, ठीक है? ये पुश हुआ आगे, अब मेरे को ना यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को इसके साथ लिफ्ट कराना है। अब यहाँ पर मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मतलब बॉल एक जाल से निकल के दूसरे जाल पे फंस चुकी है बस। वेट, अगर मैं यहाँ पर एक और रैंप ड्रॉ करके, ओ हो रहा है, अरे नाइस, करते बॉल आ रही है ऊपर से खतरनाक, ये और ये पड़ी टक्कर। ओ भाई अभी भी नहीं, छी। वेट, क्या अगर जब मैं इसे यहाँ फेंक रहा हूँ तो मैं इधर से प्रॉपर ऐसी वॉल बना दूं और अब इसको मैं पीछे से जोड़ दूं तो ये बॉल अब उस तरफ जाएगी ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ड्रॉप करूं कि जो बॉल को आगे पुश मारे, वो ये चीज़ है। हो गया भाई साहब, इजी था लेवल, बट पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है। लेवल 28, मेक द बॉल टच द ग्राउंड। अच्छा इस बार ऊपर से चिपकी हुई है, ठीक है, देखा जाए तो समझ ही नहीं आ कैसे होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर एक रैंप ड्रॉ करूँ एक प्यारा वाला, और पहली बात तो मेरे दिमाग में पता नहीं रैंप ही क्यों आ रहा है हर बात पे, यहाँ पर मैं ऐसे बॉल ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर हो सकता है? नहीं,
वाओ वेट, आइडिया आया मेरे दिमाग में। पहले तो ना हमें एक फ्लोर ऊपर जाना होगा उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए, और मुझे यहाँ पर बनाना है एक सी सॉ, ठीक है, यह है सी सॉ। अब मुझे इस सी सॉ में यहाँ पर बनाना है एक कुछ इस टाइप का एल, ठीक है, और ये जो, अरे यार गड़बड़ हो गई अभी, सही मेरे को ना ऐसा कुछ इधर वेट डालना है, रुक जाओ इसको ऐसे वेट में डलवा सकता हूँ, नीचे खींच ले जो इसे बहुत ज़्यादा, वेट 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 वेट, खींच इसे नीचे, मार दे मार दे मार दे, आने थे, अरे यार दोबारा से ट्राई करते हैं। क्या अगर मैं ऐसा सा कुछ इस पे बना दूँ तो ये क्या इसको लेफ्ट ले जाएगा? अरे इजीली ले जाएगा यार, कहाँ ग्राउंड पे ला अरे बहुत ईजी था यार ये लेवल तो। लेवल 29, मेक द मैग्नेट्स टच। ओके ये हवा में क्यों रुकी हुई है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, मुझे इस मैग्नेट को यहाँ पे टच कराना है। ओके शायद से मेरे क्लिक करते ड्रॉप होगा, ठीक है मैं समझ गया था। तो पहली बात तो इसे जमीन पे नहीं गिरने देना है, और दूसरी बात जमीन पे गिरने से, अरे ओ ठीक है लाइव कंट्रोल है, तो अगर कुछ ऐसा सीन है तो मैं समझ गया हूँ। पहले यहाँ पर ना इस बॉल को कैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बनाकर ना एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये सीसो टाइप ही कुछ तो बन गया है। अब यहाँ पर से ऊपर से कुछ ड्रॉ करूँ, यार मैं हर चीज में सीसो क्यों बना दे रहा हूँ? ओ वेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया हो गया। हाँ ये रुकेगी शायद यहाँ पे, बट कोई नहीं, इसके रुकने का जुगाड़ मेरे पास है, हम लोग ये फेंकूंगा ना नीचे, चल भाई आगे निकल। अरे यार ये थोड़ा सा ना ऊपर हो गया है, जा 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 अभी जा अभी जा तू। वेट दोबारा से बनाते हैं सी सॉ बढ़िया वाला। पहले यहाँ पर मैंने इस बॉल को तो कैच कर लिया है, अभी मुझे यहाँ पर एक वो एरिया बनाना है जहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, और फिर नीचे सी सॉ का ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ हैवी ड्रॉप करना है, चल भाई ये आई बॉल हवा में, और आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। हाय यार मैं सही तो कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है जो कि समझ नहीं आ रही। मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूँ, वेट, और इसको मैं ऐसे सा रख दूँ तो क्या ये जमीन पर रुकेगा? यस। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से ना एक बहुत हैवी बॉल, ठीक है, हल्की फुल्की नहीं बहुत हैवी डेंजरस बॉल आएगी, और ये करा देगी इसको जंप घटिया वाली। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ, ओह ये भी तो हो सकता था, नाइस। अगर अब मैं, अरे अरे नीचे जा रही है बोल, नीचे जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा, नाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ईजी ईजी ईजी। यार अभी ना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी नहीं हुआ ये, मैंने काफ़ी सही तरीके से करा था। इस बार दोबारा से ट्राई करता हूँ, इसको मुझे यूं रोकना है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गिराना है हैवी सा, कुछ इस टाइप से गिराता हूँ इस बारी, और भी जाइंट और भी खतरनाक। चल भाई ये अरे वाह, मेरे दिमाग में काफ़ी ख़राब आइडिया आया, बट शायद इससे लेवल कंप्लीट हो सकता है। मतलब प्लान कुछ ऐसा है कि मैं पहले ना वेट, तो मैं पहले यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, अब इधर ना इस चीज़ में बहुत अच्छे से वेट डाल दूंगा ताकि जब ये गिरे तो आगे वाली चीज़ ऊपर को ऐसे लिफ्ट हो जाए, और फिट 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 हो रहा है हुआ था, ऑलमोस्ट हुआ था, तो इस बारी होएगा, लास्ट टाइम अच्छे से हुआ था, तो इस बारी 100% ये होने वाला है। मुझे बस इसे ऊपर को ड्रॉ करना है, ठीक है, उठा भाई इसको, बस ये करना था भाई, इतनी सी, 3 स्टार, नाइस। लेवल 30 भाई, सब लेवल में मैग्नेट से होने वाले क्या? प्लेस दी बॉल इन दी ऑरेंज बॉक्स, और वो कनेक्ट है मैग्नेट से। सबसे पहले तो भाई ये इजी है, नहीं ये बहुत इजी है। वेट अगर मैं इसको यहाँ तक लाने का पहले तो रास्ता दे दूँ, ठीक है, अब उसके बाद इसके ऊपर से कुछ हैवी ड्रॉप करूँ तो क्या ये मैग्नेट छूटेगा? यस, ये कोई लेवल होता है? ईजी भाई ईजी, अरे तू मत आ भाई, नाइस कंप्लीट, 2 स्टार्स। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये ब्रेन इट आउट का गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा डेंजरस लेवल कौन सा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।